दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल हुआ है कि दुनिया कैसे चलती होगी? हम सब जो हर रोज काम करते हैं वो हम खुद करते हैं या कोई और करवाता है? अगर कर्मों का सिद्धांत है तो उसका अकाउंट कौन रखता होगा? तो ऊपर कौन है जो इन सब चीजों का संचालन सुचारू रूप से करता है? सचमुच जगत चलाता कौन है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। ईश्वर क्या है? अगर ईश्वर है तो जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है, वो आपका प्रश्न है कि आप मानते हो ईश्वर है? पर प्रश्न यह है कि उनकी मर्जी से होता है तो दुनिया में आतंकवाद हुआ, धरती कंप हो गए, सुनामी आ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सब उनकी मर्जी से ही होता होगा ना। कितने लोग बीमार है हॉस्पिटल में देखो, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने गर्भपात होते हैं, बलात्कार होते हैं, सब उनकी मर्जी से ही होना चाहिए। कितने शरीर में विकलांग होते हैं वो भी भगवान की मर्जी से है। कितना दुष्काल गिरता है कोई जगह पे, कितने जगह पे बाढ़ आती है, वो भी भगवान की मर्जी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऐसे नहीं बताया आपने। लोग तो सामान्य जो जिनको ज्ञान नहीं है, तो ऐसे छोटा बच्चा भी बोले भगवान की मर्जी, बड़े लोग भी बोलते भगवान की मर्जी। पर भगवान मर्जी वाला होगा और मनुष्य मर्जी वाला होगा तो सब सरीखा। इच्छा वाला होगा उसको भगवान कैसे बोला जाएगा? इच्छा वाला होगा वो तो नहीं, सेठ लोग है, बड़े पांच मील होगी फिर भी उनको छठी मील बनाने की इच्छा है, तो ये भगवान और मनुष्य में क्या अंतर हो गया? तो सच्ची बात यह है, भगवान है, प्रत्येक जीव मात्र के भीतर में है, जीवंत व्यक्ति। गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल, नॉट इन क्रिएशन। ये मेन मेड क्रिएशन है, उसमें भगवान नहीं। ये कुर्सी, टेबल, स्टैंड, कैमरा, उसमें भगवान नहीं। पर जो चीटिया है, मच्छर है, मक्खी है, चूहा है, कुत्ता है, गधा है, गाय, भैंस, स्त्री पुरुष, पेड़, सबके भीतर में आत्मा है और वही भगवान है, वही परमात्मा है, आवरण में है। और ज्ञानी पुरुष के भीतर में दादा भगवान बताते हैं कि मेरे भीतर भी भगवान है, आवरण मेरे टूट गए, निरावरण हो गए। तो भगवान है, उनकी मर्जी से नहीं होता है, भगवान को मर्जी रहती नहीं, निरीक्षक पद है, भगवान निरीक्षक दशा में रहते हैं। इच्छा वाला भगवान नहीं बोला जाएगा, तो वही जानने की जरूरत है कि कराने वाला कौन। भगवान की इच्छा नहीं है तो कराने वाला कौन है? जी नहीं, आप एक खटमल मारने की दवाई आती है टिक 20, एक बोतल पी लिया तो भगवान को आना पड़ेगा मारने के लिए? अरे साइनाइड मूवमेंट डाल दिया तो भगवान को आना पड़ेगा मारने के लिए? अपने आप मर जाता आदमी, भगवान को आना पड़ेगा? जी हाँ, तो जहर ही मार देता है, भगवान को नहीं आना पड़ता है। यानी एक्सीडेंट में भगवान को आना पड़ता है मारने के लिए? जी ना। और कोई बच भी जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं, उसके पीछे कर्म का सिद्धांत है। भगवान, महावीर भगवान को हम भगवान बोलेंगे, कृष्ण भगवान को भगवान बोलेंगे, रामचंद्र जी को भगवान बोलेंगे, तो उनको वो भी माँ के गर्भ में आना पड़ा था, जन्म से लेके उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो भगवान मनुष्य और भगवान में अंतर क्या है? कृष्ण भगवान ने ये बताया कि मैं भी जन्म जन्मांतर से कितने देह धारण किए, और अर्जुन को बताया कि तूने भी जन्म जन्मांतर से कितने देह धारण किए, तू आत्मा को नहीं पहचानता, मैंने आत्मा पहचान लिया, उतना ही अंतर है। यानी आत्मा को जो जान लेता है उसको भगवान पद शुरू होता है, और आत्मा को जाना नहीं वो अज्ञानी बोला जाता है। जब जानेगा तब ज्ञानी होएगा, बाद में उसको भी भगवान पद शुरू होएगा, और पूर्ण ज्ञानी हो जाने के बाद पूर्ण भगवान स्वरूप हो जाते हैं।
समझ में आता है आपको? ईश्वर है आत्मा, सो परमात्मा हमें शास्त्र में बताया गया है ना, आत्मा वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। समझ में आता है जी? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1-877-505-DADA एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। दीपक भाई, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो दुनिया में इतने झगड़े झगड़े होते तो भगवान इन सबको देखते, तो इन सबको ठीक क्यों नहीं करते? पहला क्वेश्चन, भगवान ने इस दुनिया बनाई है, सच्चा क्या है? भगवान ने बनाई है तो फिर ऐसे क्यों बनाए? एक हमारे मम्मी पापा हमें आराम से रहने के लिए अच्छा खाना पीना रहना बेडरूम सब बूट ये जैकेट सब देते हैं, तो फिर भगवान को इतनी होशियारी नहीं है कि सबको दुखी बनाए? शादी हुई और उसका हस्बैंड को एक्सीडेंट में ख़त्म कर दिया, बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे की माँ चली गई, ऐसे क्यों भगवान सबको परेशानी कराता है? आपको इतना दिमाग है तो भगवान को ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? आपको लगता है भगवान ऐसा क्यों करता है तो भगवान को नहीं सोचना चाहिए मैं ऐसा क्यों करता हूँ? पर भगवान ने नहीं किया, इतनी बात सच्ची समझ लो। गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एट ऑल, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जगत चलता है। तो हकीकत क्या है कि भगवान खुद आत्मा वही भगवान है, मगर उसकी अज्ञानता है और अज्ञानता से क्रोधमान मायालोक का जन्म हुआ और क्रोधमान मायालोक से इस संसार में झगड़े हैं, राग द्वेष है, दुखी है लोग। ये भगवान का स्वरूप की अज्ञानता और क्रोधमान मायालोक के अधीन जीवन लोग अज्ञानता से लोग गलत चल रहे हैं। नहीं, अंधा आदमी सीधा जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है? सीधा सीधा जाएगा। अरे अंधा आदमी आँख के पर पांटा बांध दिया है, उसको बोलो देखो उधर, पहले बता दिया कि देखो हाँ इधर एक दरवाजा है, एक इधर दरवाजा है, दोनों दरवाजे से आप बाहर जा सकते हैं। आँख को बाहर लगा दिया, दो तीन राउंड घुमा के इसको खड़ा कर दिया, अभी जाओ दरवाजे में से, तो जाएगा सीधा नहीं, कि दीवार के पास चले जाएगा कहाँ भी कहीं भी, क्योंकि आँखें के ऊपर पट्टे आ गए। ऐसे क्रोधमान मैं से क्रोधांत मानांत लोभांत विषयांत ये अंधापन आ जाता है, इसके लिए आदमी झगड़ा कर बैठता है। और ज्ञानी की दृष्टि आवरण से निकल, आवरण निकल गए, निर्मल दृष्टि हो गई, निर्दोष दृष्टि, तो खुद किसी से टकराते भी नहीं, कोई किसी कोई खुद से टकराए तो भी संभाव से निकाल करके दुखी नहीं होते, किसी को दुख भी नहीं देते। तो ज्ञानी इनकी दृष्टि निर्मल हो गई, निरावरण हो गई। तो भगवान को जाना उसको ज्ञानी बोला जाता है, भगवान को नहीं पहचानते उसको अज्ञानी बोला जाता है। अज्ञान ही अज्ञानता से ही जगत में अज्ञानी लोग दुखी हैं, क्रोध राग द्वेष झगड़े तूफान करते हैं। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम जान रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है और उसे चलाता कौन है। चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। संसार कौन चलाता है? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जगत चल रहा है, कोई स्वतंत्र करता नहीं है। कोई स्वतंत्र करने वाला होगा तो संसार का मालिक हो जाएगा और सबको कठपुतली के जैसे नचाएगा, मगर ऐसा कोई कोई एक ऐसे बोल नहीं सकता है कि मैंने किया, और बोलेगा तो सब लोग उसको रिएक्शन में उसको तोड़ देंगे। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं ही करता हूँ, नहीं ये सत्संग का प्रोग्राम हो गया तो आप बोलेंगे हम लोग ने किया, ओ ए, 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 रोल वाले बोले हमने जगह दी थी, हम लोग बोले हम लोग आए इसके लिए ये सत्संग हुआ, प्रेक्षक लोग बोलेंगे श्रोता बोलेंगे हम लोग आए इसके लिए सत्संग, किसने किया? पावर चले जाएगा तो भी सब लोग पड़ जाएंगे, अरे भाई चालू करो पावर नहीं है। तो सचमुच कौन कराता है? कोई स्वतंत्र करता नहीं है, सब संजोग मिलके कार्य होता है। दादाजी ने एक ही सेंटेंस में बता दिया, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जगत चल रहा है। भगवान जीव मात्र को प्रकाश देते हैं और मनुष्य खुद भी करता नहीं है, क्योंकि अपनी धारणा अनुसार कुछ नहीं हो पाता। अरे सब संजोग चलाते हैं, भगवान भी उसमें, उसकी प्रेजेंस, भगवान की प्रेजेंस वन ऑफ द एविडेंस है। नहीं ये कैमरा रिकॉर्डिंग करता है तो प्रकाश की जरूरत है, और बाद में रिकॉर्डिंग जब स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए तो भी पीछे प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश की हाजिरी के बिना रिकॉर्डिंग नहीं होता है, और प्रकाश की हाजिरी के बिना रिकॉर्डिंग वो रिले भी नहीं होता है।
प्रकाश जैसे हाजिरी है, उसकी प्रेजेंस है, जैसे आत्मा की प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस नहीं होगी तो भी कुछ काम नहीं होगा, और वो खुद करने भी नहीं आता प्रकाश। ऐसे आत्मा सिर्फ प्रकाश देता है, कुछ काम करता भी नहीं है, कराता भी नहीं है। समझ में आता है ना? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नहीं रहा। कभी कभी ये सवाल होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो डर असल कर्म करता कौन है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। निरुपेन, जो हम काम करते हैं वो आत्मा करती है या शरीर? शरीर फिजिकल काम करती है, कर्ता अनात्म विभाग है, आत्मा अकर्ता है। तो सुबोध काम करती है और आत्मा करता है? नहीं करता है, आत्मा देखता है, जानता है, देखता है, बस दैट्स इट। करती है सुबोध। ये लड्डू कौन खाती है? सुबोध खाती है, आत्मा थोड़ी खाता है, उसको थोड़ी पेट है कि दांत है, स्थूल है ये सब, आत्मा तो सूक्ष्मतम है। ये कोई क्रिया ऐसी नहीं है कि जो आत्मा कर सकता है, उसका स्वभाव ही नहीं है। क्रिया मात्र सब स्थूल है, स्थूल, और ये एकदम सूक्ष्मतम, दो कैसे मैच होता है? तो अच्छे या बुरे कर्म जो करते हैं तो हमारा शरीर करता है, बॉडी करता है। शरीर है, और उसमें जो अहंकार है ना, अहंकार, वो सिर्फ मानता है कि मैं करता हूँ, बिलीफ है सिर्फ। अहंकार भी सूक्ष्म है, लेकिन अहंकार के सिर्फ बिलीफ है कि ये सब मैं करता हूँ। अच्छा, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बेबी सिटिंग करते हैं? बहुत कम। तो आप क्या मानते हैं? मैं करती हूँ? नहीं, सुबोध करती है, लेकिन अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ। अहंकार एक स्पेयर पार्ट है अपने अंदर, सूक्ष्म बॉडी का एक स्पेयर पार्ट है, जैसे स्थूल बॉडी का स्पेयर पार्ट, दो हाथ, दो पैर, मुंह, हाथ, ये जो सब है ना, पैर वगैरह, वैसे सूक्ष्म बॉडी का स्पेयर पार्ट मन, बुद्धि, चित, अहंकार है। जो विचार आते हैं ना, वो सब मन में है, बुद्धि है, अच्छा बुरा दिखाती है, डिसीजन लेती है, वो सब बुद्धि है। अहंकार क्या कर, कुछ नहीं करता है, सिर्फ बुद्धि जो डिसीजन लेती है उसमें वो सही कर देता है, यानी मानता है कि मैंने किया, करता होता है। तो फिर भुगता भी वही होना, उसको होना पड़ता है। अच्छा हुआ तो अच्छा खुशी हो जाती, सुख का भुगता हो जाता है, बुरा हो गया तो दुख होता है, तो दुख का भुगता हो। करता हुआ, डूअर हुआ तो सफरर होना पड़ता है। मैंने नहीं किया, ये तो सब सर्कमस्टेंसेस ने कराया है, बोथ वॉज द वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो आपको, यू डोंट बिकम डूअर, तो आपको सफरर भी नहीं होना पड़ता है। तो ये ऐसे सब अंतकरण, फिजिकल बॉडी, सबका कनेक्शन है क्या? वो सब मिलकर कार्य होता है, और सुबोध भी इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ कार्य करने के लिए। बॉडी वगैरह जो है ना, उसको इंडिपेंडेंट भी नहीं है, उसको भी कितने सारे चीजें की हेल्प होए तो वो कर सकती है। एक कप चाय बनाने के रही तो कितनी सारी चीजें लगती है, सब कुछ रहा, सिर्फ लाइटर नहीं चलता है तो होता है, गैस नहीं रहा, स्टोव नहीं रहा तो होगा, भगोना नहीं रहा तो आप कर सकोगी, आप नहीं रहे तो होगा, सब कुछ होता है, तभी एक कप चाय होती है। सो नोबडी ऑफ इंडिपेंडेंटली डूअर इन दिस वर्ल्ड, ऑल सर्कमस्टेंसेस, सुबोध इज वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। एंड नाउ इन, जब से ज्ञान होता है तो आत्मा इस सर्कमस्टेंसेस से पर हो जाता है। He doesn't become doer, but he becomes knower. ज्ञान जानने वाला ही रहता है, ये सब हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन से circumstances से हो रहा है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोई भी कार्य का कर्ता ना हम है ना ईश्वर है, पर बहुत सारे संजोग मिलके कार्य होता है। जब हमें ये समझ में आता है तब हम जगत को निर्दोष देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।